रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की वो कहानी जो उनके साथ जलते किले में ब्राह्मण ने बताई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने महल के सातवें माले पर खड़ी हैं। वो ठंडी पर झुकी आंखों के साथ अपनी जलती हुई झांसी को देख रही हैं। सड़कों के आवारा कुत्ते लाशों को चीर कर खाते हुए पागल हो चुके हैं। एक साथ हजारों लोगों की चीखें आसमान को भेदती हुई चली जाती हैं। हर तरफ आग, खून, लूटपाट और मौत के घाट उतार दिए गए झांसी के नागरिक हैं। सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर ऐसा दृश्य देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है, लेकिन ऐसा वाकई में हुआ था। 0.1857 की इस क्रांति के इस चरण को झांसी के किले में रानी के साथ ही अपनी आंखों से देखने वाले मराठी लेखक विष्णु भट गोसे ने अपनी किताब में ये सब लिखा है। लगभग 12 दिन तक चली इस लड़ाई में वो झांसी के किले में रहकर इस रोए खड़ करने वाली घटना के साक्षी बने। अपने समय की ये इकलौती किताब है जो किसी भारतीय ने लिखी है। बाकी सब ब्यौरे अंग्रेजों की तरफ से लिखी गई किताबों और पत्रों में ही मिलते हैं। गौरतलब है कि झांसी की रानी को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में लड़ने वाला इकलौता मर्द बताया था, लेकिन बिथुर की यज्ञशाला में बिन माँ की लड़कों के साथ खेलती छबीली को नहीं पता था कि एक दिन दोनों हाथों में तलवार लिए दांतों से लगाम पकड़े वो भारतीय जनमानस में महाभारत के अर्जुन से भी बड़ी योद्धा बन जाएंगी। छबीली बिल्कुल अपरंपरागत तरीके से पली बड़ी, अपने पिता के साथ बाहर जाती, घुड़सवारी सीखी, तलवार चलाना सीखा। जब 13-14 साल की हो गई तब उनके पिता को एहसास हुआ कि छबीली की शादी करना कितना मुश्किल काम है। छबीली की कुंडली जहां भी भेजते वहां कुछ न कुछ दिक्कत मिलती। आखिर में गंगाधर राव से छबीली की कुंडली मिली और उनकी शादी कराई गई। एक विवाह कर चुके गंगाधर को बेटा चाहिए था। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि गंगाधर बाबा ने छबीली को नया नाम और पहचान तो दी, लेकिन उसे कड़ी निगरानी में रखा। उसे ताले में कैद कर दिया गया। बचपन में पिता के साथ बाहर घूमने वाली लक्ष्मी पर बुरा असर पड़ा और उनका व्यवहार अजीब हो गया। झांसी के आसपास ये अफवाहें फैली हुई थी कि गंगाधर राव महीने के 4 दिन स्त्रियों की भांति व्यवहार करते हैं, महिलाओं वाली पोशाक पहनते हैं और उन्हीं के बीच रहते हैं। जैसे कोई स्त्री माहवारी के दिनों में करती है वैसे ही वे 4 दिन बाद नहाते और फिर पुरुषों की वेशभूषा पहनकर दरबार में आते। एक अंग्रेज अधिकारी ने जब ये अफवाहें सुनी तो उसने राजा से पूछ लिया कि वे ऐसा क्यों करते हैं। गंगाधर राव ने जवाब दिया कि अंग्रेजों ने इतनी बड़ी बड़ी रियासतों को अपने अधीन कर लिया है, झांसी तो फिर भी छोटा है। उन्हें अब स्त्रियों की भांति कमजोरी महसूस होती है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। गंगाधर की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई के हाथों में झांसी को संभालने की जिम्मेदारी तो आई, लेकिन तब तक वो वैसी रानी नहीं थी जैसा हम उन्हें जानते हैं। उस वक्त वो पूजा पाठ किया करती थी। ब्राह्मणों को हर रोज दान करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उन्होंने अंग्रेजों से दरख्वास्त की थी कि उन्हें काशी जाने दिया जाए। काशी जाकर वो सिर मुड़वाकर एक विधवा की तरह सामान्य जीवन यापन करें, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं करने दिया। किले में रहकर ही लक्ष्मीबाई अब सफेद सिल्क की साड़ी पहनने लगी, अपने केश खुले रखने लगी और सुबह विधवाओं की तरह माथे पर राख पोतने लगी। अंग्रेजों और रानी के बीच टकराव बढ़ता ही गया। पहले दत्तक पुत्र को लेकर, फिर पेंशन को लेकर और आखिर में काशी न जाने देने को लेकर। इसके बाद झांसी में अंग्रेजों द्वारा गोहत्या को लेकर रानी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। इन सब चीजों ने रानी को आघात पहुंचाया और वो बागी बनने पर मजबूर हुई। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया था। वो लगातार हमले कर रहे थे। इसी दौरान किसी नागरिक को लालच देकर उन्होंने झांसी के दक्षिण द्वार से प्रवेश करने का जुगाड़ कर लिया था। रानी के बारे में विष्णु लिखते हैं कि वे एक बार भी विचलित नहीं हुई। महल के चक्कर काटती,
हर मोर्चे पर खुद निगरानी रखती और सबके खाने पीने का ध्यान भी। ये सब लगातार 12 दिन चला। इस लड़ाई में उन्होंने पड़ोसी रियासतों को पत्र लिखकर मदद मांगी। गोली बारूद की वजह से किला क्षतिग्रस्त होता जा रहा था। लोगों को अपनी मौत सामने दिख रही थी। रानी ने न खाना खाया और न एक पल भी सोई। चैत महीने में झांसी में हल्दी कुमकुम का त्योहार होता था। इस बार इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब रानी को लगा कि झांसी वालों की ये आखिरी चैत हो सकती है, तो उन्होंने त्योहार का वो इंतजाम कराया जो कभी हुआ नहीं था। इस आयोजन के बारे में लेखक ने लिखा है कि ऐसा आयोजन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। आखिरी दिनों में उनके ही किसी व्यक्ति ने उनसे धोखा किया और कहा कि अंग्रेजों का मनोबल टूट गया है। इतने दिन से झांसी के किले से कोई जवाबी हमला न होने की वजह से वे छोड़कर जाने लगे हैं। ये सुनकर रानी ने राहत की सांस ली, नहाई, खाना खाया और पहली बार मुस्कराते हुए सोने गए। 11 दिनों बाद सेना ने अपनी रानी को ऐसे देखा तो सब खुश हुए, लेकिन ये खबर झूठी निकली। अंग्रेज वहां से हटे नहीं थे, बल्कि वे दूसरे गुप्त रास्तों से झांसी के महल में प्रवेश कर गए थे। रानी को जब ये पता चला तो उन्हें आघात पहुंचा और वे इस सारी मारकाट की जिम्मेवार खुद को मानने लगी। उस रात पहली बार रानी की आंखों में आंसू आए। सबको किला छोड़कर जाने के लिए कहते हुए तय किया कि खुद को महल के साथ बम से उड़ा लेंगी। रानी की ये हालत देखकर विष्णु लिखते हैं कि ये बेहद ही कमजोर और भावुक पल था। एक बुजुर्ग सैनिक के समझाने से रानी माई और 200 लोगों के साथ कालपी चल पड़ी। विष्णु भट्ट ने रानी को उनके प्रिय सफेद घोड़े पर बाहर जाते हुए देखा था। इस समय रानी ने अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ से बांध लिया था। घोड़ों की अच्छी परख के लिए रानी पूरे देश में मशहूर थी। एक स्त्री होने के नाते मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल ये जानना रहा कि जो रानी 12 दिन की लड़ाई में एक भी आंसू नहीं बहा रही थी, वो माहवारी के चलते फूट फूट कर रोई। दरअसल लगातार 24 घंटे घोड़े पर दौड़ती रानी सहेली झलकारी बाई के साथ जब कालपी के पास पहुंची, तब उन्हें माहवारी आ गई। झांसी का महल छोड़ते समय रानी ने सिर्फ 1 रुपया लिया था। उनके पास कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं थे। इस स्थिति ने उन्हें कमजोर महसूस कराया। सफेद पोशाक पहनने वाली रानी माहवारी के वक्त मर्दों के बीच बैठी थी। बाद में तात्या टोपे ने उनके लिए कपड़ों का इंतजाम कराया। यहाँ से भी अंग्रेजों से लड़ाई हारकर रानी ग्वालियर की तरफ गईं। वहाँ के राजा को लड़ाई के लिए मनाने की कोशिश की, नहीं मानने पर वहाँ के राजा को हराया, सेना को इकट्ठा किया, फिर अंग्रेजों से लड़ाई की। यहीं पर रानी की वो तस्वीर बनी जिसमें दोनों हाथों से तलवार भांजते दांतों से लगाम पकड़े रानी चंडी का अवतार नजर आई। इस लड़ाई में रानी की हार हुई और वो वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन रानी की इच्छानुसार उनका शव अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा। विष्णु भट्ट ने आंखों देखी इस लड़ाई का जो जिक्र किया है, वो पढ़कर शरीर में रोमांच भर आता है। लक्ष्मीबाई सिर्फ तलवार भांजने वाली योद्धा नहीं थी, जनता के प्रति उनके मन में असीम स्नेह था। रानी ने जीवन का पहला और आखिरी युद्ध अंग्रेजों के साथ ही लड़ा था। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि रानी ऐसी जबरदस्त फाइट रखेंगी। विष्णु भट्ट ने लिखा है कि रानी रोज खूब कसरत करती थी। उनके घोड़ा कुदाने के अभ्यास को देखने जनता पहुंच जाती थी। अगर जनता की बात करें तो विष्णु ये भी लिखते हैं कि किले में बम गोलों की वर्षा के दौरान भी जनता दीवारों से चिपककर युद्ध देखने का प्रयास करती थी। रानी अपनी जनता के लिए वाकई बहुत श्रद्धा रखती थी।